Hello everyone, good morning all of you. This is Nidhi Dhruv, a law graduate and a company secretary. I welcome all of you to this wonderful platform of An Academy, and I welcome all of you to my today's YouTube class of newspaper analysis. Hello ji, hello. Have you all? Kaise ho sab log? It's a sunny, bright morning of Wednesday and 9th of February hai aaj. एंड मुंबई एडिशन मैंने लिया हुआ है एंड आई एम बैक अगेन विद द न्यूज़ पेपर एनालिसिस सेशन फॉर यू गाइज. सो बेसिकली दिस सेशन हैपन्स रेगुलरली फ्रॉम मंडे टू सैटरडे 10:30 to 11:15 एंड आज 9th of February वेनसडे का दिन है एंड आई एम बैक विद द न्यूज़ पेपर एनालिसिस सेशन फॉर यू गाइज. ये जो सेशन है दिस इज़ यूजफुल फॉर ऑल द लॉ एंट्रेंस एग्जाम एस्पिरेंट्स एंड एज वेल एज अदर एंट्रेंस एग्जाम एस्पिरेंट्स लाइक UPSC या बैंकिंग एग्जाम दे रहे हो तो भी ये सेशन काफ़ी काम लग सकता है आपको करंट अफेयर्स प्रिपेयर करने में. ओके, सो दोज हु वॉन्ट टू प्रिपेयर देयर करंट अफेयर्स डेफिनेटली दिस इज़ अ वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर यू गाइज. ओके, एंड लॉ एंट्रेंस एग्जाम एस्पिरेंट वी टॉक अबाउट लाइक क्लैट, एलेट, एलसेट, स्लैट, MHCET, DUAL, LLB, BLAT, जो भी लॉ एंट्रेंस एग्जाम्स आप दे रहे हो उनको नॉट जस्ट फॉर करंट अफेयर्स दिस सेशन इज यूज़फुल. ये सेशन सिर्फ करंट अफेयर्स के लिए यूज़फुल नहीं है बट उसके अलावा करंट अफेयर्स तो डेफिनेटली बहुत अच्छे से होगा ही डेली बेसिस पे आपका, बट उसके अलावा इंग्लिश सेक्शन और लीगल रीजनिंग सेक्शन में भी यहाँ आपको हेल्प मिल जाएगी. द हिंदू न्यूज़पेपर का लैंग्वेज जो है वो इतना अमेजिंग है, इतना बढ़िया सा है कि द हिंदू न्यूज़पेपर का में से आपका वोकैबुलरी डेवलप, रीडिंग स्किल बहुत अच्छे से हो सकता है, तो इंग्लिश सेक्शन में भी हेल्प हो जाएगा. देन आई ऑल्सो कीप टेलिंग दैट विच ऑल न्यूज़ आर इम्पॉर्टेंट फ्रॉम लीगल रीजनिंग पॉइंट ऑफ व्यू, तो वो भी आपका प्रिपेयर होगा. तो इंग्लिश, लीगल रीजनिंग एंड करंट अफेयर्स तो डेफिनेटली अच्छे से हो ही रहा है. एंड इसके अलावा इवन नोट्स मेकिंग में आपको हेल्प मिलती है. सो कौन सी न्यूज़ की नोट्स बनानी, कौन सी न्यूज़ की नोट्स नहीं बनानी, ये सारी चीज़ मैं बताती जाती हूँ पढ़ाते पढ़ाते, ठीक है. तो इन सारे वे में आपको ये सेशन बहुत बहुत फ़ायदेमंद है. मैं एक अर्ज करूँगी एक बात आप लोगों को, गाइज मेक श्योर कि आप लोग ये सेशन डेली अटेंड करो, बिकॉज करंट अफेयर्स इज़ नॉट समथिंग कि आप जमा करके रखो और बाद में एक साथ पढ़ो, बाद में पॉसिबल नहीं है सब कुछ याद रखना. इट्स सो वास्ट, करंट अफेयर्स इतना ज़्यादा वास्ट चीज़ है कि आपका होगा नहीं इस तरीके से. सो आप मेक श्योर कीजिए कि आप करंट अफेयर्स रोज़ अटेंड करो बिना भूले, रेगुलरली, तो ही आपके अच्छे से करंट अफेयर्स प्रिपरेशन होंगी, ठीक है. और इसके लिए एक सिंपल सा काम करना है आप लोग को, सब्सक्राइब कर लो हमारे चैनल को सो दैट रोज़ नोटिफिकेशन आ जाएगी और आपका सेशन मिस नहीं होगा, ठीक है. और एक छोटा सा इसके अलावा एक कॉन्ट्रीब्यूशन आप सबसे चाहती हूँ, दोगे या नहीं दोगे बोलो, यस मैम. हाँ, तो एक छोटा सा कॉन्ट्रीब्यूशन, प्लीज़ प्लीज़ गाइज शेयर अबाउट दिस क्लास एज मच एज पॉसिबल. वहाँ आपको शेयर बटन दिखेगा, क्लिक ऑन इट, शेयर करो अबाउट द क्लास विथ मैक्सिमम पॉसिबल पीपल. ये फ्री क्लास है बिल्कुल भी, मैक्सिमम लोगों को इसका फ़ायदा मिलना चाहिए, ठीक है. हाय मानिका, हाय स्नेहा, आंचल, प्रार्थना, मेहुल, एवरीबडी वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग गाइस. हाय दाक्ष, वेरी गुड मॉर्निंग. ओके, सो जस्ट बिफोर स्टार्टिंग विद द सेशन तुम लोग जल्दी से शेयर करो अबाउट द क्लास. मैं अपना और अन एकेडमी का थोड़ा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ और फिर हम एनालिसिस चालू करते हैं न्यूज़पेपर का, ठीक है. So guys, I am Nidhi Dhruv. I am a law graduate and a company secretary. I am having 8+ years experience in teaching for various law entrance exam. I was earlier associated with IMS Learning Resources, still associated with CSN Cost Accountant Institute, where I teach law subjects to CSN Cost Accountant students. And I really love interacting with all the lovely, lovely students like you and sharing my knowledge. So that's me, guys. What are we doing today? We are doing newspaper analysis today. गाइज ये जो प्लेटफॉर्म दिख रहा है ना, अन एकेडमी, ये जो प्लेटफॉर्म है
आज के डेट में सबसे बेस्ट वाला प्लेटफॉर्म है, ट्रस्ट माई वर्ड, आप खुद एक्सपीरियंस करके देखें। जिसने भी आज तक अनएकेडमी ज्वाइन नहीं किया है, डाउनलोड अनएकेडमी लर्निंग ऐप, ओके, अनएकेडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड कीजिए। फिर अनएकेडमी पे आपको दो टाइप की क्लासेस देखने को मिलेगी ये प्लेटफॉर्म पे, फ्री क्लासेस एंड पेड क्लासेस। फ्री क्लासेस को हम अनएकेडमी पे बोलते हैं स्पेशल क्लासेस। तो पहले कुछ दिन फ्री क्लासेस, स्पेशल क्लासेस देखिए, काफ़ी सारी फ्री मॉक टेस्ट और क्विजेज भी होती है, वो अटेंड कीजिए, आपको कैसा एक्सपीरियंस लग रहा है देखिए, एंड फिर जाके आप सब्सक्रिप्शन लेने का सोचिए। सब्सक्रिप्शन लेने से ये फ़ायदा है कि क्या फ़ायदा, मैं समझाती हूँ। तो बेसिकली दो सब्सक्रिप्शन है, दो टाइप के, प्लस और आइकॉनिक, ठीक है। तो प्लस और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में से दोनों में से कुछ भी ले सकते हो आप, प्लस बेसिक है और आइकॉनिक उससे अपग्रेडेड वाला है। तो ये डिफरेंस है दोनों में। एक बार आप सब्सक्रिप्शन लोगे ना, तो आपको पहले तो आइकॉनिक लोगे तो मेंटर सेशंस, वन ऑन वन सेशन मिलेंगे। काफ़ी लोग को शाई फील होता है कि सबके सामने हम कैसे पूछे वगैरह, तो वन ऑन वन लाइव मेंटर सेशंस आप अटेंड कर सकते हो। और सब्सक्रिप्शन की ये प्राइजेज हैं, बट उसके फ़ायदे पहले बता दो। ऐसा सब्सक्रिप्शन लेने से ये सारे बैचेस आप अटेंड कर पाओगे, जिसमें अलग अलग एडुकेटर आपका सिलेबस एक एक सब्जेक्ट का ख़त्म करेंगे, कंप्लीट करवाएंगे। सो आप हर वीक हम नए नए बैचेस लाते हैं, आपके जो भी फेवरेट एडुकेटर्स हैं उसके बैचेस अटेंड करके आप अलग अलग वो कॉम्बिनेशन अटेंड करके आप पूरा अपना सिलेबस अच्छे वे में, सिस्टमैटिक वे में कंप्लीट कर सकते हो। फ्री क्लासेस में क्या, सिस्टमैटिक वे में पूरा सिलेबस कंप्लीट होने का गारंटी नहीं है, बट बहुत सारा नॉलेज मिलेगा, एक्सपीरियंस मिलेगा कैसा प्लेटफॉर्म है, ठीक है। तो ये प्राइजेज है आइकॉनिक की और प्लस की, ओके। इसके ऊपर एडिशनली न्यू प्राइजेज हैं, 3rd February से हमने प्राइजेज हाई की हैं थोड़ी। इसमें आपको एडिशनल 10% डिस्काउंट मिल जाएगा मेरा कोड नीदी लाइव डालने से। तो ये प्राइजेज एनीवेज बहुत वैसे तो रीजनेबली हैं, पर एडिशनल 10% डिस्काउंट मिलेगा इफ़ यू यूज़ माई कोड नीदी लाइव, ठीक है। तो ये ध्यान रख लीजिएगा कि नीदी लाइव कोड यूज़ करना है। अच्छा, आप लोग अगर अभी ज्वाइन कर रहे हो अनएकेडमी लर्निंग ऐप और न्यू लर्नर हो आप अनएकेडमी पे, पहली बार कोई फ्री क्लासेस को या फ्री टेस्ट को या क्विज को अनलॉक कर रहे हो, तो भी आप निधि लाइव कोड ही डाल देना, पैसा नहीं लगेगा उसमें। पर फ्री प्लान अनलॉक करने के लिए आपको कोड पूछेंगे, तो आप मेरा कोड यूज़ करके फिर फ्री क्लास वगैरह या फ्री मॉक टेस्ट क्विज दे सकते हो। ये सारे बैचेस ये वीक में चालू हो रहा है। तो एनएलयू टॉपर्स, 2nd ranker, 11th ranker, 20th rankers आपको पढ़ाएंगे। तो ये वाला बैच है 2023 एस्पिरेंट्स के लिए, 3 महीने का। अल्टीमेट बैच है MHCET के बॉर्न ऑफिसर्स, खास MHCET के लिए बनाया बैच है, ठीक है। और एक एक सब्जेक्ट कौन कौन पढ़ाएंगे वो आपको इधर बताया गया है, ठीक है। आई एम सो सॉरी, लेट्स क्रैक लैट। ये वाली जो ये है, लेट्स क्रैक लैट एक्सीलेंस बैच, ये भी 23 एस्पिरेंट्स के लिए चालू हो रहा है 9th February से, 1 year का बैच रहेगा। चैम्पियनशिप टेस्ट ये वाला तो हो चुका है, बट फुल लेंथ मॉक टेस्ट प्लान आज 9th February को MHCET वाला मॉक टेस्ट है, उसके पैटर्न में ज़रूर दीजिएगा। और रविवार को, संडे को, 13th February को ऑल इंडिया क्लैट मॉक टेस्ट होगा, जिसमें आप बहुत सारे आईपैड मिनी वगैरह सब कुछ जीत सकते हो। लैब क्विज फीचर और यूलैट वीकली T20 टेस्ट ये सब दिया कीजिए, ये सब फ्री वाली टेस्ट है। प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड मेक योरसेल्फ मोर परफेक्ट, ओके। तो ये सारे फ्री फीचर, पेड फीचर सब कुछ समझा दिया कैसे है अनएकेडमी, ज्वाइन करके आप खुद ही ट्राई करके देखिए। और ये जो यूट्यूब चैनल है हमारी अनएकेडमी क्लैट की, इसे सब्सक्राइब कर लो जल्दी से, कमेंट ऑन आवर वीडियोस हाउ डू यू फील इट एंड लाइक इट, एंड लाइक एंड शेयर भी ज़रूर कीजिए, थोड़ा प्यार थोड़ा मोटिवेशन दिखाइए गाइस, ओके। सो ये हुआ आप हमारा इंट्रोडक्शन, अभी हम करते हैं न्यूज़पेपर एनालिसिस। हाय श्रेया, तेजू, टाइमिंग बेटा मुझे आइडिया नहीं है, एक सेकेंड, इधर बताया तो नहीं था, मुझे एक मिनट देखना पड़ेगा टाइमिंग। तो बेटा मैं बता देती हूँ आपको, बता देती हूँ तेजू, टेलीग्राम पे आपको इन्फॉर्म करती हूँ, ठीक है।
आप मुझे पर्सनल चैट में मैसेज कर दीजिए, मैं आपको कर देती हूँ इन्फॉर्म। चलिए क्या क्या इम्पोर्टेंट न्यूज़ है आज के न्यूज़पेपर में देखते हैं। हरियाणा कैबिनेट नॉड फॉर एंटी कन्वर्जन बिल। सो एक और गवर्नमेंट, हरियाणा गवर्नमेंट, बीजेपी की मेजॉरिटी सारी गवर्नमेंट्स ने एंटी कन्वर्जन बिल पास कर लिए हैं। हरियाणा की भी कैबिनेट ने अप्रूव कर लिया है एंटी कन्वर्जन बिल के लिए, मतलब उन्होंने अप्रूव किया है, मतलब उनकी लेजिस्लेटिव असेंबली में अभी सून रखा जाएगा। सो एंटी कन्वर्जन बिल मतलब किसी को भी शादी की वजह से ज़बरदस्ती कन्वर्जन करवा रहे उसके रिलीजन का, तो ये नहीं चलेगा, वो इलीगल हो जाएगा एज़ पर दिस एंटी कन्वर्जन बिल। सो ये हरियाणा कैबिनेट ने इसके लिए नॉट दे दिया है, जल्दी अभी लेजिस्लेटिव असेंबली में रखा जाएगा और उधर भी अच्छी खासी मेजॉरिटी से पास अगर हो गया तो हरियाणा विल बी द 9th स्टेट टू ब्रिंग द एंटी कन्वर्जन बिल। ऑलरेडी 8 स्टेट में इंडिया में आ चुका है। सो क्या है एग्जैक्टली समझाती हूँ, अमतीन केसेस ऑफ रिलीजियस कन्वर्जन रिकॉर्डेड। बहुत सारे केसेस रिलीजियस कन्वर्जन के रिकॉर्ड हुए हैं, इसको चल के हरियाणा भी ला रही है एंटी कन्वर्जन बिल। लीगल कोड, अ ब्रीफ टाइमलाइन ऑफ डेवलपमेंट्स लीडिंग टू ड्राफ्टिंग ऑफ न्यू बिल। तो 1 नवंबर 2020 को हरियाणा चीफ मिनिस्टर मनोहर लाल ने बोला स्टेट गवर्नमेंट वॉज टास्किंग द लव जिहाद इश्यू सीरियसली टेकिंग द, मतलब ये हमारी हरियाणा स्टेट गवर्नमेंट लव जिहाद के इश्यू को सीरियसली ले रही है, ठीक है। 17 नवंबर को हरियाणा होम मिनिस्टर अनिल विज ने बोला स्ट्रिक्ट लॉ विल बी इनेक्टेड टू कंट्रोल लव जिहाद, ओके, एंड इन द स्टेट एंड कमिटी विल बी कॉन्स्टिट्यूटेड टू ड्राफ्ट लॉ। 17 नवंबर को ये डिक्लेयर किया गया। नवंबर एंड में गवर्नमेंट सेट्स अप 3-member कमेटी टू ड्राफ्ट एंटी कन्वर्जन लॉ। एक 3-member का कमेटी बना दिया गवर्नमेंट ने नवंबर एंड में ये बनाने के लिए, लॉ बनाने के लिए, उसका बिल बनाने के लिए। हरियाणा कैबिनेट ने फिर अप्रूव कर दिया कल ड्राफ्ट हरियाणा प्रिवेंशन ऑफ अनलॉफुल कन्वर्जन ऑफ रिलीजन बिल 2020 और बिल इज़ टू बी टेबल्ड ड्यूरिंग द असेंबली सेशन विच बिगिंस ऑन 2nd March। तो लेजिस्लेटिव असेंबली का जो नेक्स्ट सेशन अभी 2nd March से स्टार्ट होगा उसमें बिल रखा जाएगा पास करने के लिए, ठीक है। सो ये पूरा टाइमलाइन है, ये लिख लीजिएगा आप लोग, वेरी इंपॉर्टेंट पूरा लीगल कोड, ठीक है, एंड द हेडलाइन, वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़। ये पूरा हेडलाइन और ये लीगल कोड पूरा टाइमलाइन लिख लीजिएगा आपके नोट्स में, इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल, बोथ लीगल रीजनिंग एंड जीके दोनों में इंपॉर्टेंट होगा आपको, ठीक है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज पोस्ट ऑन कश्मीर अनएक्सेप्टेबल, गवर्नमेंट सेज दैट। सो पाकिस्तान में लॉट ऑफ मल्टीनेशनल कंपनीज के जिसके एस्टैब्लिशमेंट्स हैं वो लोग कहीं ना कहीं अपनी एडवर्टाइजमेंट्स में या किसी वे में कश्मीर फ्री करवाएंगे, ऐसे फ्रीडम ऑफ कश्मीर का मामला ये एडवर्टाइजमेंट में दिखाया जा रहा है। कश्मीर डेफिनेटली इंडिया का ही पार्ट है, पाकिस्तान वाले कैसे बोल सकते हैं कि कश्मीर को फ्री करवाना है, फ्रीडम ऑफ कश्मीर। सो दिस इज़ अ रिडिकुलस थिंग विच इज़ हैपनिंग। तो गवर्नमेंट, हमारी गवर्नमेंट ने बोल दिया है कि पोस्ट ऑन कश्मीर अनएक्सेप्टेबल है, ये एक्सेप्टेबल नहीं होंगे। हुंडई कंपनी जो साउथ कोरियन कंपनी है इसकी रिसेंटली ऐसी ऐड आई थी, तो इंडिया ने समन किया साउथ कोरियन एनवॉय को ओवर एड्स, कि साउथ कोरियन एनवॉय को बोला कि आपकी कंट्री की जो कंपनी है उसकी एडवर्टाइजमेंट पाकिस्तान में ऐसी दिखाई जा रही है विच इज़ नॉट राइट, आपको इसके अगेंस्ट एक्शन लेनी ही होगी, ठीक है। तो गवर्नमेंट हैज़ टेंडर्ड एंड अनएक्सेप्टेबल सोशल मीडिया पोस्ट कॉलिंग फॉर कश्मीरी फ्रीडम बाई वेरियस मल्टी नेशनल कंपनीज बेस्ड इन पाकिस्तान। तो बहुत सारी मल्टी नेशनल कंपनीज जो पाकिस्तान में बेस्ड है उसमें एडवर्टाइजमेंट में दिखाया जा रहा है कि कश्मीर का फ्रीडम होना चाहिए, पाकिस्तान में आ जाना चाहिए। वेल, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर स्पोक टू हिज साउथ कोरियन काउंटर पार्ट, साउथ कोरिया में जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर है फॉरन मिनिस्टर चुंग यू योंग को बोला कि आप प्रोटेस्ट करो अगेंस्ट द पोस्ट पुट आउट बाई हुंडई मोटर कंपनी। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स कन्वेड टू अ नंबर ऑफ अदर कंट्रीज दैट इट फाउंड द पोस्ट
ऑफेंसिव. सो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने बहुत सारी कंट्री जिनकी मल्टीनेशनल कंपनीज पाकिस्तान में हैं और उसमें ऐसी एडवर्टाइजमेंट आ रही है, उन सभी कंट्रीज़ को लिखा है कि ये हमें नहीं चलेगा, दिस पोस्ट इज रियली ऑफेंसिव. कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल टोल्ड पार्लियामेंट ऑन ट्यूजडे. और पार्लियामेंट में पीयूष गोयल जी ने ये ट्यूजडे को बताया था. सो दिस इज डेफिनेटली अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज. आपको ये डेफिनेटली ध्यान में रखने वाला न्यूज है, जरूर ध्यान रखिए. ठीक है, तो ये दो न्यूज हुई फ्रंट पेज के में से इंपॉर्टेंट. और एक थर्ड वाली ये न्यूज, कर्नाटका में कुछ दिन से इश्यू चल रहा है, आपको पता होगा. और अभी उसमें और बढ़ोतरी हो गई है, वो वायलेंस हो गया है ड्रेस कोड को लेके. सो एक कॉन्फ्लिक्ट, एक क्लैश चल रहा था ओवर ड्रेस कोड इन कर्नाटका. कर्नाटका गवर्नमेंट ने ट्यूसडे को ऑर्डर किया, बिकॉज ऑफ जो ये कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, ये कॉन्फ्लिक्ट वायलेंस में बदल चुका है, तो इसको चलते हुए कर्नाटका गवर्नमेंट ने सर्टेन हाई स्कूल्स 9th एंड 10th को और कॉलेजेस को स्टेट में 3 दिन के लिए बंद करवा दिया है. कर्नाटका हाईकोर्ट मीनवाइल कमेंस्ड हियरिंग अ बैच ऑफ पिटिशंस क्वेश्चनिंग द बैन ऑन वेयरिंग हिजाब हेड स्क्वाफ इन कॉलेजेस. तो इसमें क्या स्टोरी है मैं बताती हूँ. तो मुस्लिम गर्ल्स को घर से कंपल्सरी और उन कंपल्शन करना किया जाता है और उनकी रिलीजियस एक यू नो फिलोसॉफी के हिसाब से भी दे नीड टू वेयर हिजाब हेड स्काफ, मतलब बुरखा वगैरह उनको पहनना होता है. तो कर्नाटका की कॉलेजेस और स्कूल में उनको बना किया गया कि आपको स्कूल के अंदर हिजाब वगैरह नहीं पहनने हैं, जो भी यूनिफॉर्म है वही पहन के आना है आपको, जो सभी स्टूडेंट्स का यूनिफॉर्म है आपको भी वही पहनना है. तो इसको चलते बहुत हंगामा हो गया, बहुत कॉन्फ्लिक्ट हो गया. तो ये कॉन्फ्लिक्ट अभी वायलेंस में बदल चुका है. ठीक है, तो कर्नाटक का हाई कोर्ट भी अभी मीनवाइल इसकी मैटर सुनेगी. ठीक है, द कॉन्ट्रोवर्सी ये था कि मुस्लिम गर्ल्स वेयरिंग हिजाब एंड हिंदू बॉयज डोनिंग सेफरन शॉल्स. अभी क्योंकि मुस्लिम गर्ल्स हिजाब पहन रही थी तो हिंदू बॉयज़ ने बोला हम भी सेफरन, मतलब केसरी रंग का शॉल डाल के स्कूल में आएंगे. तो स्कूल इज़ अ प्लेस वेयर एवरीबडी नीड्स टू बी इन डिसिप्लिन. स्कूल का ही यूनिफॉर्म सबको पहनना होता है. वहाँ मुस्लिम गर्ल्स एंड हिंदू बॉयज स्टार्टेड डूइंग दिस, तो जिसकी वजह से उनको एंट्री क्लासरूम में नहीं दी गई. इसकी वजह से बहुत वायलेंट इश्यू हो गया अभी ये कॉलेज कैंपसेस में इन वेरियस पार्ट ऑफ कर्नाटका. देर वर इंस्टेंसेस ऑफ स्टोन पेल्डिंग, सबने एक दूसरे पे स्टोन मारे एंड लाठी चार्ज रिपोर्ट हुए कॉलेज कैंपसेस में. चीफ मिनिस्टर बसवराज बोमाई ने बोला वो इज इन न्यू दिल्ली राइट नाउ, ही इश्यूड द ऑर्डर ऑन क्लोजर ऑफ स्कूल्स एंड कॉलेजेस एंड ट्वीट ए आई अपील टू ऑल स्टूडेंट्स टीचर्स एंड मैनेजमेंट्स ऑफ स्कूल्स एंड कॉलेजेस एज वेल एज पीपल ऑफ कर्नाटका टू मेंटेन पीस एंड हारमनी. सो बसवराज बोमाई जो नए चीफ मिनिस्टर है कर्नाटका के, वो फिलहाल दिल्ली में है, बट उन्होंने ट्वीट करके बोला कि सारी स्कूल्स कॉलेजेस कर्नाटका की 3 दिन बंद रहेगी और सारे लोग प्लीज़ पीस मेंटेन करो. अभी कोर्ट का क्या वर्डिक्ट आता है उस हिसाब से चीज़ें हो जाएगी फिर. ठीक है, तो दिस इज़ वन इम्पॉर्टेंट न्यूज़, ये भी स्टार मार्क करी हूँ, ये लिखना है. जितना भी अंडरलाइंड और हाईलाइटेड पार्ट है यू मस्ट राइट डाउन दैट नोट्स. ओके, नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट न्यूज़ देखते हैं क्या है. नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट न्यूज़ हम एडिटोरियल पे देखेंगे, जो अगेन सेम ही एडिटोरियल और लीड सेक्शन है, आई मीन सेम टॉपिक पे ही है. ठीक है, सो एक लीड सेक्शन तो खुद एम के स्टालिन तमिलनाडु के सीएम ने ही लिखा हुआ है और ये हमारे एडिटोरियल ने लिखा, एडिटर ने लिखा हुआ है ये एडिटोरियल. तो हम देखते हैं नीट के बारे में क्या बात हो रही है और बाद में हम एम के स्टालिन का आर्टिकल पे भी नज़र डालेंगे. नीट एंड स्टेट्स गवर्नर शुड नॉट डीले असेंट टू तमिलनाडुज बिल फॉर एग्जामिशन फ्रॉम मैंडेटरी एडमिशन टेस्ट. तमिलनाडु लेजिस्लेटिव असेंबली में जो बिल पास हो चुका है नीट को
तमिलनाडु में उनको नहीं होने देना है, वो लोग खुद स्टेट का ही एग्ज़ाम रखना चाहते हैं मेडिकल सीट्स के लिए, मेडिकल एग्ज़ाम एडमिशन के लिए. तो इस ये जो बिल है अभी गवर्नर वहाँ के पास नहीं कर रहे हैं, मतलब वो कंसेंट नहीं दे रहे उनका. तो इधर एडिटर का ओपिनियन है कि गवर्नर को कंसेंट दे देना चाहिए. ठीक है, सो फिर तमिलनाडु असेंबली, तमिलनाडु असेंबली ने पास किया है वंस अगेन इट्स अर्लियर बिल. एक बार जो पहले भी पास कर चुके थे वो अगेन बिल पास किया है, जिसमें वो एग्ज़ाम करेंगे गवर्नमेंट सीट्स इन अंडर ग्रेजुएट मेडिकल एंड डेंटल कोर्सेज फ्रॉम नीट. द बॉल इन वंस अगेन इन द कोर्ट ऑफ गवर्नर आर एन रवि. तो पहले के जैसे अगेन ये बिल पास करने वाले हैं, जिसमें कुछ गवर्नमेंट सीट्स जो अंडर ग्रेजुएट एंड डेंटल कोर्सेस में नीट एग्ज़ाम के थ्रू वो गवर्नमेंट सीट्स मिलती हैं, वो नीट एग्ज़ाम वो लोग निकाल देना चाहते हैं, उसका बिल पास कर चुके हैं. बट अभी आर एन रवि गवर्नर के कोर्ट में बॉल है और उनको कंसेंट देना है. अभी गवर्नर हैड चोजन टू रिटर्न टू द हाउस फॉर रिकंसिडरेशन द बिल दैट वॉज पास इन सेप्टेम्बर 2021. अभी 4 महीने पहले जो बिल पास हो चुका है उसको रिकंसिडरेशन के लिए गवर्नर ने वापस भेज दिया. क्वेश्चनिंग द टेनेबिलिटी ऑफ जस्टिस ए के राजन कमेटी रिपोर्ट दैट हैड गिवन इट्स फाइंडिंग इन फेवर ऑफ द पैसेज ऑफ सच अ लॉ. तो नीट एग्ज़ाम होना चाहिए, ऐसा ए के राजन कमेटी रिपोर्ट में आया था, और उस ये लॉ उस रिपोर्ट के हिसाब से नहीं है, ऐसा बोल के गवर्नर ने रिकंसिडरेशन के लिए वापस कर दिया है बिल, उन्होंने पास नहीं किया. जो डीएमके गवर्नमेंट है, इट हैज़ थ्रोन डाउन द गॉन्टलेट एज द कॉन्स्टिट्यूशन इज क्लियर एज फार एज द गवर्नर्स कोर्स ऑफ एक्शन इज कंसर्न. तो गवर्नर को ये कंसेंट देना चाहिए, उसमें कॉन्स्टिट्यूशनली तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, डीएमके गवर्नमेंट बोल रही है. इफ़ द बिल इज़ प्रेजेंटेड टू हिम अगेन मिस्टर रवि इज़ कॉन्स्टिट्यूशनली बाउंड टू ग्रांट असेंट. तो अगर बिल वापस दिया गया उनको तो कॉन्स्टिट्यूशनली आर एन रवि को, गवर्नर जी को वापस बिल पास करना ही होगा कंपल्सरी बेसिस पे. इट्स अ मैटर ऑफ स्पेकुलेशन वेदर द बिल विल ऑब्टेन प्रेसिडेंशियल नॉड, बट द एपिसोड रेजेज अ क्वेश्चन whether the governor could not have avoided the current situation by reserving the bill for president instead of returning it. So, एक सेकेंड गाइज, बैटरी लो है, मैं चार्जिंग में लगा देती हूँ, कनेक्ट कर लेती हूँ चार्जर. सो इट्स अ मैटर ऑफ स्पेकुलेशन कि बिल अभी प्रेसिडेंट का नॉड उसमें मिलेगा या नहीं मिलेगा, बट ये एपिसोड जो हुआ उसमें क्वेश्चन यही है कि गवर्नर कुड नॉट हैव अवॉइडेड द करंट सिचुएशन बाय रिजर्विंग द बिल फॉर द प्रेसिडेंट इंस्टेड ऑफ रिटर्निंग इट. तो यही अभी जो ये एपिसोड हुआ उसमें गवर्नमेंट गवर्नर जो है वो ये सिचुएशन अवॉइड नहीं कर सकते थे, इवन इफ प्रेसिडेंट के लिए वो रिजर्वेशन के लिए बिल रख देते रिटर्न करने के बदले. आफ्टर ऑल दिस इज़ क्लियरली अ बिल दैट रिक्वायर्स द प्रेसिडेंट्स एक्सेप्टेंस. डेफिनेटली ये बिल ऐसा है कि जिसमें प्रेसिडेंट का एक्सेप्टेंस चाहिए, तो ये सिचुएशन तो आता ही कि प्रेसिडेंट के एक्सेप्टेंस के बिना कुछ नहीं हो सकता. द एग्जाम्पशन फ्रॉम नीट, मतलब तमिलनाडु के लोग नीट एग्ज़ाम नहीं देंगे तो चलेगा, ऐसा बात है. सो एग्जाम्पशन फ्रॉम नीट इज़ इन कॉन्फ्लिक्ट विद द सेंट्रल लॉ दैट मेक्स इट मैंडेटरी. सो क्योंकि नीट मैंडेटरी है सेंट्रल लॉ के हिसाब से, कोई स्टेट में ऐसा लॉ लाना जिसमें सेंट्रल लॉ के कॉन्ट्राडिक्शन में है, तो ऑफकोर्स प्रेसिडेंट का कंसेंट चाहिए. एंड देयरफॉर कैन ओनली बी सेव्ड बाय द प्रेसिडेंट्स असेंट. सो सिर्फ ये सेव हो सकता है प्रेसिडेंट के कंसेंट के साथ ही ये पॉसिबल है पास करना. रिगार्डलेस ऑफ बिल्स मैरिट द गवर्नर शुड डिले द मैटर नो फर्दर. तो बिल में मैरिट्स है या नहीं है, गवर्नर को मैटर ज़्यादा डिले नहीं करना चाहिए, ऐसा एडिटर का ओपिनियन है. द ओरिजिनल इंटेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स वॉज दैट द गवर्नर अंडर आर्टिकल 200 ऑट टू हैव नो डिस्क्रेशन सेव इन द केस ऑफ लॉ दैट अंडरमाइंस द पोजीशन ऑफ हाई कोर्ट विच ही इज़ बाउंड टू रिजर्व फॉर द प्रेसिडेंट्स कंसिडरेशन. सो
कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने आर्टिकल 200 में जो इंटेंशन उनका था वो था कि गवर्नर के पास कोई डिस्क्रेशनरी पावर नहीं है कि खुद की मर्जी से कभी चाहे तो बिल ना पास करें, एक्सेप्ट जब भी हाई कोर्ट को अंडरमाइन किया जा रहा है तभी उसकी पोजीशन को तभी गवर्नर कुछ कर सकता है. ओके तभी उनको प्रेसिडेंट के कंसिडरेशन के लिए ये पेंडिंग रखना ज़रूरी होता है, वरना गवर्नर का डिस्क्रेशनरी पावर कम ही है. However, governors rare use of discretion to caution the desirability or validity of a bill and ask for reconsideration is now a matter of constitutional practice. पहले ऐसा होता था कि गवर्नर रेयरली ऐसा करते थे कि खुद ना का डिस्क्रेशन यूज़ करते थे और कोई भी बिल की वैलिडिटी क्वेश्चन करते थे. पहले ऐसा रेयरली होता था बट अभी एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रैक्टिस हो गई है कि रिकंसिडरेशन के लिए वो भेजते रहते हैं गवर्नर. सम पार्ट ऑफ गवर्नर्स कम्युनिकेशन टू लेजिस्लेटिव असेंबली स्पीकर सीम टू सजेस्ट दैट मिस्टर रवीज डिसअग्रीज विद द बेसिस ऑफ द बिल. तो जैसे गवर्नर ने कम्युनिकेट किया है लेजिस्लेटिव असेंबली के स्पीकर के साथ, उस हिसाब से लग रहा है कि मिस्टर रवि आर एन रवि जी जो गवर्नर है वो डिसअग्री कर रहे हैं ये बिल के बेसिस के साथ ही. इवन दो ही इज़ नॉट रॉन्ग इन हाईलाइटिंग अ सुप्रीम कोर्ट डिसीजन इन फेवर ऑफ नीट. सो तो ही इज़ नॉट रॉन्ग एब्सोल्युटली, उनका एक्चुअली जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो रॉन्ग नहीं है इन हाईलाइटिंग दैट सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन भी नीट के फेवर में आया था. तो फिर क्यों हमारे स्टेट को ये लॉ पास करना है, तो ये बोलने में वो गलत नहीं है, वो राइट ही बोल रहे हैं वो जो बोल रहे हैं. इट्स नॉट जनरली डिसायरेबल फॉर गवर्नर टू सीक टू मैच विथ्स विद द लेजिस्लेचर्स विद विजडम ऑन सोशल इनपुट्स दैट इन्फॉर्म पॉलिसी. तो जनरली डिज़ायरेबल ऐसा नहीं होता है कि गवर्नर ज़्यादा दिमाग लगा के लेजिस्लेचर की विजडम पे क्वेश्चन करें, पर डेफिनेटली उसके पास भी कुछ पावर है तो यूज़ तो करना ही चाहिए. इट विल बी यूजफुल टू रिकॉल दैट द सरकरिया कमीशन ऑन सेंट्रल स्टेट रिलेशन ऑब्जर्व दैट गवर्नर शुड नॉट एक्ट कॉन्ट्री टू द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स मेयरली बिकॉज ही डिड नॉट लाइक द पॉलिसी एम्बॉडीड इन द बिल. तो एक अगर हम रिकॉल करें सरकरिया कमीशन जो सेंटर एंड स्टेट रिलेशन के बारे में ऑब्जर्व करता है, वो बोल रहा उसमें ऐसा बोला गया था कि गवर्नर को कोई भी हालत में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस से ऑपोजिट में कॉन्ट्ररी में नहीं जाना चाहिए जस्ट बिकॉज ही डिड नॉट लाइक द पॉलिसी बिल का पॉलिसी. द अटेंशन विल नाउ बी ऑन वेदर द नीट एग्जामिशन बिल विल पास मस्टर. तो अभी अटेंशन वही है कि प्रेसिडेंट मेन तो पास करेंगे या नहीं नीट एग्जामिशन बिल को. फॉर वन थिंग द एग्जामिशन मे नॉट बी अ सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम ऑफ गवर्नमेंट school students not making it to MBBS courses in sufficient numbers. The situation prior to the introduction of NEET was no better. तो एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है ये भी मैं आपको समझा दूँ. बिकॉज ऑल इंडिया के स्टूडेंट्स नीट एग्ज़ाम देते हैं एंड तमिलनाडु की कॉलेजेस में भी जो सीट्स होती है मेडिकल सीट्स वो किसी को भी इंडिया में से मिल सकती है जिसने नीट के अच्छे स्कोर्स हैं. सो तमिलनाडु के इन हाउस मतलब तमिलनाडु स्टेट के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको रह जाता है, उनको काफ़ी सीट्स नहीं मिलती है. तो क्योंकि तमिलनाडु के स्टेट के लोगों को फ़ायदा हो इसके लिए DMK गवर्नमेंट ये बिल लाना चाहती है जिसमें नीट को निकाल के वो अपने ही अपने स्टेट के कॉलेजेस के लिए अलग ही एंट्रेंस एग्ज़ाम लाना चाहते हैं सो दैट उनके स्टेट में ज़्यादा से ज़्यादा डॉक्टर्स खड़े हो you know? तो वो उनका पॉइंट ऑफ व्यू है. बट ये एडिटर इधर वही बोल रहा है कि वन थिंग इज़ क्लियर the exemption may not be a solution to the problem. जो government school students हैं वो MBBS course में नहीं admission ले पाते हैं sufficient numbers में. ये reason से आप NEET निकाल दो ये ठीक solution नहीं है. Because NEET के पहले भी जो situation थी वो भी कुछ इतनी अच्छी नहीं थी. कुछ तमिलनाडु से लोग बहुत medical admissions में आ जाते थे, ऐसा नहीं था. However, the issue of NEET being a barrier to access is genuine. So, NEET exam के वजह से ही वहाँ के लोग crack नहीं कर पाते, वो genuine उनका barrier लग रहा है उनको. There is no doubt that the mandatory nature of NEET on a pan-India basis undermines the role of state governments in medical education. So, no doubt कि जो mandatory nature है NEET का on a pan-India basis ये
स्टेट गवर्नमेंट का रोल पूरा मिनिमाइज कर लेता है मेडिकल एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से. एज द मेन डिलीवरर्स ऑफ पब्लिक हेल्थ द स्टेट कैन नॉट बी डिनाइड अ से इन हु जॉइंस मेडिकल कोर्सेज इन गवर्नमेंट कॉलेजेस. सो इवन दो मेन एग्जाम है जो ये नीट एग्जाम ये पब्लिक हेल्थ के ओ लेके हैं बट स्टिल स्टेट का कुछ से तो होना ही चाहिए कि उनकी कॉलेजेस में उनके स्टेट के कॉलेजेस में गवर्नमेंट कॉलेजेस में कौन मेडिकल कोर्सेज ज्वाइन करे या कौन नहीं उनमें उसका उनका भी से होना चाहिए. ये सब एडिटर का ओपिनियन है विच इज़ ऑल्सो इन लाइन्स विद दिस अनदर लीड सेक्शन विच इज़ रिटन बाय एम के स्टालिन हिमसेल्फ. एम के स्टालिन इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ तमिलनाडु और उन्होंने खुद ने ही आर्टिकल लिखा हुआ है आप देख सकते हो. सो इन दिस लीड सेक्शन अगेन द सेम मैटर बिकॉज दैट इज द हॉट टॉपिक गोइंग ऑन राइट नाउ इन इनसाइड द तमिलनाडु. सो नीट इज डिस्क्रिमिनेटरी अगेंस्ट सोशल जस्टिस. तो नीट सोशल जस्टिस के अगेंस्ट कैसे है ये एम के स्टालिन ने पूरा ऑफकोर्स उनके बिल के फेवर में लिखा हुआ है. नीट एग्जामिशन बिल नॉट ओनली डिफेंड्स द राइट टू एजुकेशन एंड सोशल राइट्स बट ऑल्सो अपहोल्ड्स तमिलनाडुज राइट्स. सो ये जो नीट एग्जामिशन बिल है वो तमिलनाडु के लोगों के लिए सोशल राइट्स प्रोटेक्ट तो करता ही है राइट टू एजुकेशन का बट मतलब सोशल राइट्स ओवरऑल पूरे इंडिया के लोगों के प्रोटेक्ट करता है एज तमिलनाडु के लोगों के राइट्स भी प्रोटेक्ट करता है. तो क्यों ये बिल पास होना ही चाहिए गवर्नर और प्रेसिडेंट को इसमें कंसेंट देना ही चाहिए इसके फेवर में एम के स्टालिन जी ने पूरा आर्टिकल ये लिखा हुआ है. मैं आप लोग को एक बार रीड करने को दे रही हूँ. देखिए पूरा मैटर तो आपको समझ में आ ही गया बिकॉज मैंने एडिटोरियल में अभी ही आपको पूरा समझा दिया तो पूरा आपको बैकग्राउंड पता है. एंड ये पूरा आर्टिकल आपको उस एंगल से पढ़ना है कि कैसे नीट एग्जामिशन बिल इज़ इन फेवर वो पॉइंट ऑफ व्यू से ही लिखा है एम के स्टालिन जी ने. ठीक है तो वो एक होमवर्क में आपको मैं रीड करने को दे रही हूँ. ऑलराइट नेक्स्ट इम्पोर्टेंट न्यूज़ देखेंगे. नो प्रॉब्लम चारू जितना मिस हुआ उतना आप रिकॉर्डिंग देख लेना. मोनिका यस मेरा गला ठीक है बट आई कीप ल्यूब्रिकेटिंग इट बाय हैविंग वाटर. हाय अफरीन वेरी गुड मॉर्निंग. चलिए नेक्स्ट इम्पोर्टेंट न्यूज़ देखते हैं कौन सा है. सुप्रीम कोर्ट डिक्लाइंस टू इंटरवीन इन नीट इश्यू. अगेन नीट वाला ही मामला अगर हम देखें तो सुप्रीम कोर्ट ने एब्सोल्युटली मना कर दिया है कि हम इसमें ये मामले में ये सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को देखना है क्या है हम इसमें कोई भी इंटरवेंशन नहीं करेंगे. सो स्टार मार्क कर रही हूँ ये भी लिखना है. ठीक है और ये एडिटोरियल जो आपने किया ना मैं उस पर भी स्टार मार्क पुट कर रही हूँ. ये एक चीज़ आपको लिखनी चाहिए ये पूरा का पूरा आर्टिकल बिकॉज ये साल का काफ़ी इम्पोर्टेंट मैटर है ये और लीगल रीजनिंग पॉइंट ऑफ व्यू से डेफिनेटली ये इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी की बातचीत हो रही है इधर. सो लीगल रीजनिंग पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट होगा ये. एंड ऑफकोर्स दिस ऑल्सो यू मस्ट राइट डाउन सुप्रीम कोर्ट हैज़ डिनाइड दैट इट विल नॉट इंटरवीन इन नीट इश्यू. कोर्ट आस्क एस्पिरेंट्स जो भी नीट एस्पिरेंट्स हैं टू अर्ज द गवर्नमेंट टू एक्सटेंड इंटर्नशिप डेडलाइन. तो ये नीट वाले मामले में अभी सुप्रीम कोर्ट ने बोला है. सो बेसिकली नीट इश्यू ये थोड़ा तमिलनाडु वाला ही नहीं थोड़ा अलग वाला है. सुप्रीम कोर्ट ऑन ट्यूजडे आस्क्ड डॉक्टर्स मोस्टली फाइनल ईयर मेडिकल स्टूडेंट्स हु हैड सर्व्ड अ फ्रंटलाइन एज फॉर फ्रंटलाइन वर्कर्स इन कोविड-19 वार्ड्स टू अप्रोच द गवर्नमेंट विद अ रिक्वेस्ट टू एक्सटेंड डेडलाइन फिक्स्ड फॉर कंप्लीशन ऑफ देयर इंटर्नशिप प्रोग्राम. तो उनके इंटर्नशिप प्रोग्राम की डेडलाइन सेट करे ये सो दैट वो लोग नीट एग्ज़ाम दे सके नीट पीजी. ठीक है सो कंप्लीशन ऑफ इंटर्नशिप इज़ अ प्री रिक्विजिट फॉर टेकिंग द नीट पीजी. तो पोस्ट ग्रेजुएशन जो नीट एग्ज़ाम है वो ज़रूरी उसके लिए ज़रूरी है कि वो लोग इंटर्नशिप प्रोग्राम जो है ना वो ख़त्म करें उसके बाद ही वो एग्ज़ाम दे सकते हैं. तो इंटर्नशिप डेडलाइन जल्दी से
अनाउंस कर ले गवर्नमेंट, ये एस्पिरेंट्स को गवर्नमेंट को अर्ज करना है, सुप्रीम कोर्ट ने बोला है हम इसमें इंटरवेंट नहीं करेंगे। तो बेसिकली ये तमिलनाडु वाली नीट का इश्यू नहीं है, ये नीट की इंटर्नशिप डेडलाइन जो कोविड के दौर पे वो लोग को इंटर्नशिप में काम करना पड़ रहा है कोविड वार्ड्स में, उसकी बात है। सुप्रीम कोर्ट में इसने इसमें इंटरवेंट करने से मना कर दिया है, ठीक है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ हुआ जो आपको लिखना है, मैंने जितना अंडरलाइन और स्टार मार्क किया हाईलाइट किया हुआ है उतना लिख लीजिएगा। वन मोर मैटर वेयर सुप्रीम कोर्ट सेज दैट दीज कंपनीज मस्ट गो बाई कॉम्प्रोमाइज टर्म्स, विच कंपनीज आर दे? दीज आर गुजरात ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड एंड अडानी। सो अडानी ग्रुप की जो पावर कंपनी है इनके बीच में और गुजरात ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड के बीच में पावर यूटिलिटी के लिए जो ये कंपनी है गुजरात की, इनके बीच में सर्टेन इश्यू चल रहा था, ठीक है। नाउ दीज पार्टीज के बीच में सर्टेन इश्यू चल रहा था और कोर्ट में मैटर भी पेंडिंग था, बट नाउ फाइनली उन्होंने अनाउंस किया है ये दोनों कंपनी ने कि हमने आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट कर लिया है और ये जो टर्म्स ऑफ कॉम्प्रोमाइज़ है तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला है उसी के हिसाब से अभी उनको चलना होगा, दे मस्ट गो एज पर द कॉम्प्रोमाइज टर्म्स डिसाइडेड बाय देम एज पर देयर सेटलमेंट टर्म्स। अभी कोर्ट इसमें कुछ नहीं करेगी, तो कोर्ट ने डिस्पोज कर दिया एक क्योरेटिव पिटिशन जो था बिटवीन दीज टू कंपनीज, ओके ये भी लिख लेना गाइस। वर्ल्ड न्यूज में आज क्या इंपॉर्टेंट है देखते हैं। मैक्रॉन सीज पाथ टू ईज रशिया क्राइसिस। तो हमने देखा है कि इमैनुअल मैक्रॉन फ्रांस के जो प्रेसिडेंट हैं वेरी यंग वन, उन्होंने डिसाइड किया कि मैं मिलूँगा पुटिन जी से और मैं पुटिन से मिलके डिस्कस करूँगा अबाउट नॉट इन्वेडिंग इन यूक्रेन। तो मैक्रॉन ने पुटिन से कल मुलाकात की है, हमने देखा न्यूज़ में ऑलरेडी, एंड नाउ ही इज़ इन कीव दैट इज़ इन यूक्रेन, ओके। तो वो यूक्रेन में अभी है कीव में एंड वहाँ से वो उन्होंने अनाउंसमेंट किया है। इन कीव द फ्रेंच लीडर सेज पुटिन टोल्ड हिम दैट रशिया वुड नॉट बी द सोर्स ऑफ एन एस्केलेशन। के कीव में उन्होंने फ्रेंच लीडर ने अनाउंस किया है कि रशिया ने हम मुझे बता दिया, पुटिन ने बता दिया है कि एस्केलेशन करने में रशिया एक इम्पॉर्टेंट, मतलब वो रशिया पार्ट नहीं लेगा, हमारे तरफ से एस्केलेशन नहीं होगा, ऐसा पुटिन ने बता दिया है मैक्रॉन को, ऐसा उन्होंने अनाउंस किया है कीव में जाके। तो दिस इज़ अ बिग थिंग इफ इमैनुअल मैक्रॉन के साथ नेगोशिएट करके इफ पुटिन मान गए हैं और यूक्रेन में इन्वेड नहीं करेंगे तो दिस इज़ गोइंग टू बी अ बिग थिंग, वेरी गुड। तो ये लिखना है, ध्यान में रखना है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट न्यूज़, यूरोपियन यूनियन जॉइंस चिप्स रेस विथ $43 बिलियन यूरोस बिड टू राइवल एशिया। तो यूरोप कहीं ना कहीं डिपेंडेंट है मोबाइल फ़ोन्स की, स्मार्टफोन की चिप्स के लिए या फिर इलेक्ट्रिक कार्स की चिप्स के लिए, ठीक है, एशिया पे डिपेंडेंट थी। अभी खुद का इंडिपेंडेंस लाने के लिए उन्होंने एक प्लान टू क्वाड्रुपल द सप्लाई ऑफ सेमी कंडक्टर्स इन यूरोप बाई 2030, उन्होंने एक नया प्लान लॉन्च किया है कि एशिया जो राइवल है उनके साथ रेस में हम भी जुड़ेंगे और 2030 तक हम इंडिपेंडेंट हो जाएंगे इस चीज़ में। तो ब्लॉक एम्स फॉर 20% ऑफ ग्लोबल मार्केट बाई क्वाड्रुपलिंग एफर्ट्स, चार गुना एफर्ट्स बढ़ा देंगे एंड चिप्स के मामले में यूरोप भी काफ़ी प्रोडक्शन करेगा एंड 20% ग्लोबल मार्केट वो लोग ही कैप्चर करेंगे, ऐसा यूरोपियन यूनियन अनाउंस कर रहे हैं। तो पुटिंग अ स्टार मार्क ओवर हियर, रिमेंबर इम्पॉर्टेंट न्यूज यू मस्ट राइट डाउन। तो या बिजनेस और स्पोर्ट्स न्यूज में कुछ खास नहीं करना है आज, ऑलमोस्ट आज के दिन की सारी इम्पॉर्टेंट न्यूज हो चुकी है, ओके। आज शाम को 8 to 9:30, ओके, आज शाम को गाइज 8 to 9:30 लॉ वाली क्लास है लीगल रीजनिंग की, जिसमें मैं कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा रही हूँ अभी, तो आ जाइए सब लोग 8 to 9:30, ठीक है।
ये कौन है? विमल शर्मा इज सेइंग वॉइस इज लिटिल बिट डिफरेंट एंड सेइंग फॉरगेट स्टडी, 14 फरवरी आने वाली है, इश्क करो। हाँ है, ऐसा बोलता है क्या? तुम कौन हो लोगों को बोलने के वाले? इश्क करो, पढ़ाई काम लगेगी, इश्क काम नहीं लगेगा, पैसा कमाने में, पेट भरने में बेटा, समझ ले इतना। चलो विमल शर्मा, आपको रिपोर्ट करना पड़ेगा। वेरी गुड मॉर्निंग तनु, किसी को कुछ डाउट है या कुछ है तो पूछ लीजिए, ठीक है? बाकी आज के दिन की सारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ कवर हो चुकी हैं। एनी डाउट्स एनीबडी? किसी को कुछ पूछना है? ऑलराइट देन, आई होप दिस सेशन वॉज हेल्पफुल टू एवरी वन। थैंक यू सो मच, बाय बाय एवरी वन, सी यू एट 8 to 9:30। लीगल रीजनिंग की प्लस क्लास होने वाली है, आ जाइए सब लोग। ओके बाय। हाँ मैं चेक करती हूँ MNCT के मॉक टेस्ट का टाइम, बेटा बताती हूँ, तेजू पक्का। बाय बाय।